ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। क्या नाम है जी आपका? रानी। रानी, अभी क्या हुआ, आपके भाई कहाँ काम करते हैं, क्या हुआ उनके साथ? वो दोहाकतर में पिछले 9 साल से काम करते हैं, तो वो मेरे छोटे वाले भाई का फोन आया था कि भैया की डेथ हो चुकी है, तो ये कारण नहीं बताया कि किस वजह से डेथ हुई। दोहाकतर में क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं, कुछ कंपनी में काम करते हैं? हाँ जी, उस कंपनी में काम करते हैं। कौन सी कंपनी आपको पता है? नहीं, कंपनी का नाम नहीं पता। अच्छा, तो क्या हुआ उनके साथ वहाँ पे? अब उनकी डेथ हो गई, ये नहीं, किसी को कोई खबर नहीं कैसे उनकी डेथ हुई। तो आपका भाई भी उसी कंपनी में काम करता है? हाँ जी, उसी कंपनी में काम करता है। तो क्या बताया उसने? उसने सिर्फ यही बताया कि भैया की डेथ हो चुकी है। और क्या बताया? और कुछ नहीं बताया। तो वो मिला उनके साथ? नहीं, मिलने नहीं दे रहे। कौन नहीं मिलने दे रहा? हॉस्पिटल वाले ना कंपनी वाले कह रहे हैं कि मिल लो। भैया ने कितनी बार कोशिश की है मिलने की, पर मिलने नहीं दे रहे। कंपनी वालों ने बताया उसकी मौत हो गई है? हाँ जी, कंपनी वाले ने बताया। क्या कहा कंपनी वालों ने? कंपनी वाले सिर्फ यही बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। कैसे हुई मौत बताया? ये नहीं बताया। और उसके बाद मिलने भी नहीं दिया? नहीं, मिलने नहीं दिया। क्या कह रहे हैं वो? बस जब भी कुछ कह रहे हैं कि डेड बॉडी लेने के लिए कोशिश कर रहे, तब जब भी जा रहे कह रहे हैं कि 2-4 दिन लग जाएंगे। तो ये घटना किस दिन की है, कितने दिन हो गए इस बात को? 25 दिन हो गए, 10 तारीख की घटना है। और कितने भाई बहन हो? 2 भाई है, 3 बहनें हैं। आपके पापा क्या काम करते हैं? पापा नहीं है। तो अभी क्या चाहते हैं, क्या हुआ? हम भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उनकी डेड बॉडी हमारे हमें भेज दी जाए ताकि हम उनका संस्कार कर सकें। तो आपके भाई वहाँ पे रहना चाहते हैं? नहीं, वहाँ नहीं रहना चाहते। क्या कहना है उनका? उन्होंने डिजाइन मार दिया जाता, वो भी वहाँ से निकलने जाते हैं। तो निकलने नहीं दे रहे, क्या क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि भाई को साथ ही लेकर जाना। तो अभी किसी से आपने फरियाद करी? यहाँ कचहरी में फरियाद की हमने, डिप्टी साहब से। और क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? बस हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं बस कि हमारी डेड बॉडी उनकी यहाँ ला दी जाए, हमें मिल जाए। क्या नाम है जी आपका? गुड़िया। गुड़िया, आपके पति कहाँ पे हैं? कब गए हैं वहाँ पे? काम क्या करते हैं वहाँ पे? गुड़िया, क्या हुआ तुम्हारे पति के साथ? पता नहीं, कुछ नहीं मालूम चल रहा। कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? कहाँ पे? अच्छा, अभी क्या हुआ वहाँ पे उनके साथ? घटना हो गई। क्या घटना हुई है? मालूम नहीं चल रहा क्या घटना हुई। आपको किसने बताया कि उनके साथ घटना हुई है? मेरे छोटे ने जो बताया। वो भी वहीं पे हैं? हाँ। कहाँ काम करते हैं? अभी वो करते हैं। वहाँ कौन सी कंपनी में काम करते हैं? अच्छा, आपके देवर ने क्या बताया वहाँ? भैया की घटना हो गई। क्या घटना हुई, कुछ नहीं बताया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो आपके पति के साथ मिले आपके देवर? नहीं, मिले नहीं, नहीं। क्यों नहीं मिले? मिले नहीं दे रहा। कौन नहीं मिलने दे रहा? अस्पताल। कि विश्वकर्मा प्रसाद है इनका, माता जी का बड़ा बेटा, और उसका छोटा भाई है शंकर। जो बड़ा बेटा है जिसकी डेथ हो गई है, वो तकरीबन 9 साल से विदेश में ही रहता है। पिछले महीने की 10 तारीख को छोटे बेटे का शंकर का फोन आया इनको कि भैया की डेथ हो गई है। अभी इस बात को 25 दिन हो गए हैं, ना तो ये पता चल रहा है कि कैसे उसकी डेथ हुई, और ना ये पता चल रहा है और किस हालात में हुई, और ना ही अभी तक बॉडी मिल रही है।
मेरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से बेनती है कि इस परिवार की मदद करें और जो विदेश में इनके बेटे की बॉडी है उसे भारत लाया जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और उनकी एक पत्नी है और एक बच्चा है, और एक बच्चा अभी तो दुनिया में नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि फिर इस परिवार को इंसाफ मिले और इनका बेटा की बॉडी। वहाँ पे काम क्या करते हैं, कौन सी कंपनी? वो अलमाना कोई कंपनी है, वहाँ पे रियल स्टेट की, वहाँ पे बढ़ई का काम करते थे दोनों भाई। और अभी छोटे भाई से मेरी बात भी हुई है फ़ोन पे, वो भी काफ़ी नाराज और मायूस है। फिर बोला मैं जब भी कंपनी के फोरमैन से बात करता हूँ तो वो मेरे को यही कहता दो तीन दिन लगेंगे, और इस बात को तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं। यहाँ के प्रशासन से भी इनकी मुलाकात हुई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपकी बात हुई है उससे, छोटे भाई से, क्या कहना है? वो परेशान है वहाँ पे? बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बोला मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं जब भी जाता हूँ मेरे को यही होता है अभी रुक जाओ, बताते हैं, देते हैं, करते हैं। वो बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहा है। मिलने भी नहीं दिया ना, अभी तक उसने अपने भाई की शव भी नहीं देखा, ना ही उसको ये पता कि उसकी किस हालात में मौत हुई, कैसे मौत हुई, अभी तक कुछ भी नहीं पता। तो अभी क्या चाह रहे हैं परिवार के? अभी उरार वाले चाहते हैं कि कम से कम उनके बेटे का शव यहाँ आ सके और उसका अंतिम संस्कार कर सके, और बाद में जो भी उनकी कार्रवाई या वो करने बनती है वो करें। मोगा तो हरपाल सिंह की रिपोर्ट, जगसेव वेब टीवी। Thank you.